हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुमुद वत्स, मैं फिर से आ गया आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपने एक बहुत अच्छा ट्रेंड देखा होगा, बहुत कॉमन ट्रेंड देखा होगा कि आपके कुछ रिलेटिव, आपके कुछ रिश्तेदार, आपके कुछ फ्रेंड्स जब भी आपको मिलते हैं तो वो बहुत ही नकारात्मक बातें करते हैं लाइफ को लेकर। अगर उनसे कोई बात करोगे तो नकारात्मक बातें करेंगे, उनके ऑफिस के बारे में कोई बात करोगे तो नकारात्मक बातें करेंगे, या उनके फ्यूचर को लेकर भी अगर आप बात करोगे तो वो नकारात्मक बातें करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे अपने सर्कल में कि उनसे आप जब भी कोई बात करोगे तो वो एक्साइटेड होंगे लाइफ को लेके, आगे अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, फैमिली को लेके। तो आप अगर इस डिफरेंस को देखोगे तो हो सकता है आपको लगे कि ये शायद पर्सनैलिटी का कुछ ट्रेट होता होगा जिसकी वजह से शायद एक नेगेटिव बातें करता है और एक पॉजिटिव बातें करता है। पर मैं आपको एक बहुत ही कड़वा सत्य बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप इस चीज को अपने बिहेवियर के ऊपर भी इंप्लीमेंट करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों, ट्रेट नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। मनुष्य का आप देखोगे तो बिहेवियर एक जैसा कभी नहीं रहता है, वो समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। उसके जीवन में बदलाव आते हैं तो उसके व्यक्तित्व में भी बदलाव आते हैं। तो इसीलिए कुछ भी ट्रेट नाम की चीज नहीं होती। आप नहीं कह सकते हो कि इसका व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो क्या चीजें होती हैं जो ये कंफर्म करती हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा या ये कैसे जीवन को जिएगा? तो देखो दोस्तों, भगवान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक व्यक्ति को देखे और उसके किए हुए कर्म के हिसाब से उसे फल दे। भगवान ने सिंपल सी चीज करी हुई है, उन्होंने नियम बनाए हुए हर एक चीज के। आप अगर उस नियम को फॉलो करोगे तो आपका जो भी वर्किंग रहता है, जो भी आपके कर्म रहते हैं, वो रजिस्टर हो जाते हैं और बाद में फिर उनका हिसाब हो जाता है, वो एक अलग बात है। परंतु आपने जो, अगर भगवान के नियम को अगर समझना है आपने, तो आपको अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो आप एक रेडियो का ध्यान करो, एक रेडियो जिस पर अलग अलग तरीके के गाने बजते हैं। देखिए आप अब ये समझिएगा इस चीज को, इस डिफरेंस को समझिएगा। रेडियो एक ही है परंतु उस पर जो गाने बजते हैं, जो म्यूजिक बजता है, जो संगीत आता है, वो अलग अलग आता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक रेडियो में अलग अलग म्यूजिक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे आ सकता है, राइट? जिस तरीके से रेडियो काम करता है, देखिए क्या है, क्या होता कैसे है कि वो संगीत जो है उस रेडियो के अंदर नहीं है, बल्कि वो इस वातावरण में कहीं ना कहीं पे विद्यमान है। और जब हम रेडियो में उन संगीत को सुनते हैं, अपने मन या पसंदीदा संगीत को जब हम सुनना चाहते हैं, तो हम रेडियो की आवृत्ति जो होती है उसे चेंज करते हैं, और उसे तब तक चेंज करते रहते हैं तब तक कि वो हमारे उस म्यूजिक के साथ में, संगीत के साथ में कनेक्ट नहीं हो जाए जिसे हम पसंद करते हैं। तो जिस तरीके से रेडियो काम करता है उसी तरीके से, बिल्कुल वही तरीका रहता है हम लोगों के साथ भी। अब ये देखिए, जैसे वातावरण में म्यूजिक है, संगीत उपलब्ध है, उसी तरीके से इसी वातावरण में फीलिंग्स भी अवेलेबल है, उपलब्ध है। अब हम अपने आप को अगर हम माने तो उन विद्यमान फीलिंग्स के साथ में किससे कनेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ टोटली उस पर डिपेंड करती है। देखिए आप एक रेडियो की तरह अगर आप खुद को देखेंगे, आपको इजी रहेगा इसे समझने के लिए। और वातावरण में स्थित अगर आप द्वेष की भावना के साथ में कनेक्ट करते हैं तो आपके साथ में जो लोग भी होंगे वो इस चीज को फील कर पाएंगे कि आप किसी भी चीज से खुश नहीं होते हो। आपको हर एक बंदे को देख के, हर एक बंदे की तरक्की को देख के जलन होती है। आप भी रियलाइज करोगे इस बात को और दूसरा बंदा भी रियलाइज करता है कि आप में द्वेष की वातावरण में ये सारी चीजें विद्यमान है। और आप किसके साथ में, किस फीलिंग के साथ में, किस भावना के साथ में अपने आप को कनेक्ट करते हो, आपकी लाइफ टोटली उस पर डिपेंड करेगी। मान लो आप दुख के साथ में, आपने जो बहुत सारे कण विद्यमान है, फीलिंग्स विद्यमान है, आपने दुख के साथ में कनेक्ट किया। अब जब आप दुख के साथ में कनेक्ट करोगे तो आपको कितना भी अच्छा वातावरण दे दिया जाए, कितना भी अच्छा घर परिवार ऑफिस दे दिया जाए, आप हर एक चीज में दुख निकाल लो। आपको कोई भी अच्छी कही हुई बात भी आपको बुरी लगेगी। आपको कोई भी अच्छा व्यक्ति आपके पास में आता हुआ बुरा लगेगा, उसमें से नेगेटिव एनर्जी आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो ये गलती उस व्यक्ति की नहीं है, ये गलती आपकी है, क्योंकि आपने गलत फीलिंग के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो अगर ये आपके लिए एक अलर्ट है, अगर आपको भी हर एक चीज में दुख होता है, परेशानी होती है, लोगों पे गुस्सा आता है, तो आपको वापस से बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि कहीं मैंने गलत कण के साथ में, फीलिंग के साथ में तो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर लिया।
और अगर ऐसा है तो आपको आज ही वो सारी चीजें छोड़ देने की जरूरत है। तो अब क्वेश्चन अब ये उठता है कि इन सारी चीजों को छोड़े कैसे। देखिए इसे छोड़ने का भी जैसे मैंने पहले रेडियो का एग्जांपल लिया था कि आपको चेंज करना पड़ेगा, जब तक आप चेंज नहीं करोगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशान रहते हैं, आपको हर एक चीज पे गुस्सा आता है, आपको लोगों को देख के जलन होती है, तो आप गलत फीलिंग के साथ में जुड़े हो और आपकी लाइफ, बिलीव मी, आपकी लाइफ बहुत ही खराब होने वाली है अगर आप इसे अभी भी चेंज नहीं करते हैं। भगवान ने सारी चीजें हम लोगों को दी हुई हैं, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हमें अपने में रिक्वायर्ड चेंजेस करके और भगवान की दी हुई उस ब्यूटीफुल गिफ्ट को हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। तो अब करना कैसे है, इसको ये करना है कि आपके जैसे थॉट्स प्रोसेस रहेंगे। मान लो अगर आप गलत फीलिंग के साथ में, बुरी फीलिंग के साथ में, दुखी फीलिंग के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपके जो थॉट्स हैं वो ऐसे हैं, इस वजह से वो सिग्नल्स देते हैं आपके, जो जो आप कनेक्ट करते हैं वो अंदर से आपके सिग्नल निकलते हैं, और जैसे सिग्नल आपके अंदर से निकलेंगे वैसी ही फीलिंग जो वातावरण में है उसके साथ में आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपको आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपके साथ में चीज़ें कैसी होंगी, वो टोटली इस पर डिपेंड करता है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके माइंड में हमेशा विचार कैसे चलते रहते हैं। तो अगर आप लोगों का के बारे में बुरा सोचते हो, उन्हें देख के जलते हो और लोगों को देख के दुखी होते हो, तो बिलीव मी आपके लाइफ में भी यही सारी चीज़ें वापस आने वाली है। तो अगर आप अपनी लाइफ से अच्छा चाहते हो तो अपने थॉट्स को चेंज करो, क्योंकि थॉट्स बाहर निकल रहे हैं, ये रेज निकल रही हैं आपके थॉट्स में और वही चीज़ आपकी लाइफ में ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये बहुत सिंपल सा लॉजिक नियम आपको लग सकता है, लेकिन ये फॉलो करने में आपको बहुत कठिनाई आएंगी, क्योंकि चेंज इतना आसान नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प करेगा, क्योंकि अनजाने में किया हुआ कार्य है। अगर आपको पता नहीं है कि फीलिंग्स कैसी निकल रही हैं तो बाय डिफॉल्ट आप हो सकता है नेगेटिविटी में फंस जाएं, लेकिन जब आपको पता होगा कि हमें वही मिलेगा जो चीज़ें हम सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप नेक्स्ट टाइम किसी के बारे में गलत सोचो, बुरा सोचो, किसी को देख के जलो, तो हमेशा ये याद रखना कि ये फीलिंग्स आपकी जो निकल रही हैं ये बाहर कनेक्ट कर रही हैं, वातावरण में कनेक्ट कर रही हैं, और वही चीज़ें आपके जीवन में भी आने वाली हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको आपकी सोच को, बुरी सोच को अगर कहीं है तो उसे चेंज करने में आपको हेल्प करेगा। और जैसा मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर ये किसी एक को भी अपनी थॉट्स प्रोसेस को चेंज करने में हेल्प करता है, तो मेरा इस वीडियो करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।